सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर न्यू ब्लॉग, और स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में, अपने चैनल पे। और गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो क्या कहते हैं, कहीं मैं घूमने नहीं जा रहा, किसी ऑफिस पे बेस नहीं है, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, ये ब्लॉग जो है ये है, अभी तो मैंने रिसेंटली क्या कहते हैं अपना एक फ्लोर परचेस किया है, ठीक है, आदर्श नगर में, उसी के ऊपर है। तो क्या कहते हैं, अभी आप लोगों को मैं लेके चलूँगा अपने क्या कहते हैं नए वाले घर में। हालांकि अभी आज से क्या कहते हैं रेनोवेशन का काम स्टार्ट होगा वहाँ पे, उसको अच्छे तरीके से रेनोवेट वगैरह करवाना है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें क्या कहते हैं मुझे लगा कि आज के टाइम के हिसाब से बनवानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड देन क्या कहते हैं बिफोर और आफ्टर वाला सीन इसी वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग है ये काफ़ी लेट आएगा, ये ब्लॉग मैं काफ़ी लेट अपलोड करूंगा, उससे पहले 3-4 ब्लॉग मैं बना दूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने कमेंट रिक्वेस्ट में देखा, बहुत सारे लोगों ने पूछा है हाउ टू ज्वाइन नेटवेस्ट एंड क्या कहते हैं R1 कैसे ज्वाइन करना है, इन दोनों कंपनी के बारे में पूछा बहुत सारे लोगों ने। तो क्योंकि अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऑफिस जाना हो नहीं पा रहा है, तो जैसे ही मैं ऑफिस जाऊंगा ऑफिस के भी ब्लॉग वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट ये वाला ब्लॉग तो काफ़ी लेट आएगा, ठीक है। इससे पहले आपका हाउ टू ज्वाइन नेटवेस्ट एंड हाउ टू ज्वाइन R1 और क्या काम करती है ये, एंड सेकेंड थिंग क्या कहते हैं मेरे कुछ ऑफिस के जो ब्लॉग है नए वाले ऑफिस की, क्या कहते हैं जो गुरुग्राम सेक्टर 21 में है, उसके ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ठीक है। हालांकि क्या कहते हैं अभी रेनोवेशन का काम स्टार्ट होने वाला है तो उसी का सामान वगैरह आने वाला है, तो उन सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड आप मुझे बताना बाद में। अभी मैं आपको घर की अभी करंट कंडीशन दिखाऊंगा कि अभी करंट में क्या कहते हैं जो हमारा फ्लोर है वो किस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, और बाद में किस टाइप का दिखेगा, ठीक है। और आप मुझे बताना कि क्या कहते हैं डेकोरेशन वगैरह आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। तो चलते हैं। तो गाइस गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, चलो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने नए वाले घर पर, और अभी तो रेनोवेशन का सामान वगैरह आया है वो सामान वगैरह दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, देखने में ये काम आसान लगता है, ये फॉल सीलिंग का काम, बट इतना आसान होता नहीं है। ये जिस तरीके से चिंगारी वगैरह निकलती है देख सकते हो, काफ़ी मतलब कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और ये अभी तो फॉल सीलिंग वगैरह का काम वगैरह चल रहा है, तो मैंने स्क्वायर का डिज़ाइन ही क्या कहते हैं डिसाइड किया है। तो जैसे कि अभी इसका आधा काम स्टार्ट हो रखा है, अभी तो ये फार्मा कहते हैं, आई डोंट नो लाइक वी से इन इंग्लिश स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर तैयार कहते हैं उन्होंने। और ये दो लोग और एक लोग और है, एक भाई और है जो आज काम करने के लिए नहीं आए, तो ये तीन लोग मिलके अपना आपस में काम कर रहे हैं। ये रहे ये तीसरे भाई जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ये तीन लोग हैं जो क्या कहते हैं काम करने के लिए आते हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं ये लोग, ठीक है, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये लोग। और ये जो दिख रहा है आपको, ये सनमाइका, इसे सनमाइका लगा हुआ है। ये सनमाइका लगाना इतना आसान होता नहीं जितना हमें लगता है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो सनमाइका है ना, इसको सनमाइका को चिपकाते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है। तो ओवरऑल इस तरीके से स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखो अभी। और ये जो सामने पेंट दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, इसको भी चेंज कराना है, प्लास्टिक पेंट है ये, कोई हमने पेंट वगैरह करवा नहीं रखा, ये पहले से ही हो रखा था। तो चलो, तो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट जितना काम होना था वो सारा काम हो गया है, बस हालांकि एक महीना हो चुका है काम को, ठीक है, और अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कौन कौन सा काम ऑलमोस्ट हो गया है। जो फॉल सीलिंग बन रही थी जो आप लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, वो तैयार हो गया बनके, आप लोगों को दिखाता हूँ। लाइट्स वगैरह लग गई है, अब बस पेंटिंग का काम बचा हुआ है, कारपेंटर का काम जो था वो भी हो चुका है, प्लम्बर का काम भी थोड़ा वगैरह बचा हुआ है। तो चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे क्या कहते हैं काम वगैरह कैसे हुआ है।
अभी इतना ही काम हुआ है, बाकी जो काम पेंडिंग है ये अभी कुछ दिनों के बाद होगा। ये टाइल्स वगैरह रखी हुई है, अभी तो टाइल्स वगैरह लगनी है। टाइल्स वगैरह एक तो बालकनी में लगवानी थी और एक दूसरा यहाँ पे जो किचन के साथ में, जो ये बाथरूम के साथ में जो है उसमें लगवानी है। और किचन वगैरह में टाइल्स लगी हुई है, इनको बस एक क्लीन करवाना है अच्छे से, और कुछ वायर वगैरह की सेटिंग वगैरह भी करवानी पड़ेगी यहाँ पे। और बाकी ऑलमोस्ट प्लम्बर ने अपना सारा काम कर दिया, जो टंकी वगैरह चेंज कर ली थी उसने बताया टंकी वगैरह चेंज कर दी, और बाथरूम में शावर वगैरह भी लग चुका है। शावर वगैरह भी लग चुका है यहाँ पे, जो टंकी वगैरह लगी थी। अब बस ऑलमोस्ट 80% काम खत्म हो गया, 20% काम जो है पेंटिंग का है और क्लीनिंग का है। यहाँ पे AC लगवाना है, जगह खाली है, तो कुछ सामान है जो हम बाद में लेकर आएंगे। और बस एक बार अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद आपको फाइनल क्या क्या किसका व्यू दूंगा। अभी देखने में उतना अच्छा लग नहीं रहा होगा, बस मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है सो दैट कि आप लोगों को पता चले कि क्या पहले कैसा था रूम और कैसा बाद में दिखाया। फाइनली एक डेढ़ महीने के बाद जो घर का काम था वो पूरी तरीके से हो चुका है, और अब मैं आप लोगों को एक बार क्या कहते हैं फाइनल लुक दिखाने के लिए जा रहा हूँ घर का, कि घर का फाइनल लुक किस टाइप का है। ठीक है, आप आज मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। ठीक है, रात में ना देखो जब बेसिकली क्या कहते हैं अभी हम पूरे रूम को ना अंधेरा कर देते हैं, ठीक है, एक भी लाइट नहीं जलाएंगे, सारी लाइट ऑफ कर देते हैं। देखो अब पूरा रूम अंधेरा हो गया, ठीक है, हालांकि अभी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है क्या कहते हैं बाहर से, इस वाले ये पीछे जो मेरे क्या कहते हैं विंडो है इससे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। अगर हम अपना गेट बंद कर लेते हैं और सिर्फ ब्लू वाली लाइट को ऑन करते हैं, देखो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, रात में आराम से बैठने वाला एकदम बाहर टाइप की फीलिंग आ रही है। तो अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी यहाँ से आ रही है, रात में जब ये रोशनी नहीं रहती तो काफ़ी सही है। हालांकि मैंने इनमें म्यूजिक भी सेट करवा रखे हैं, इन्हीं के अंदर मैंने क्या कहते हैं वो लगा दिए थे गाने वगैरह, क्योंकि बाद में ऐसे अलग से होम थिएटर लाना उसमें बजाना ये सब बेकार लगता मेरे को, इसलिए मैंने इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें सेट करवा दी है। तो ये घर का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो, ठीक है, हालांकि पहले ये वॉल क्या कहते हैं पूरी तरीके से रेड थी, इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बना हुआ था, बट मेरे पापा ने इसके ऊपर डिज़ाइन बनवा दिया, ठीक ही लग रहा है, मुझे इतना पसंद आया नहीं। और लाइटनिंग वगैरह का काम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और ये जो पत्थर खिसवाने का काम था ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और ये गोदरेज पहले से पड़ा हुआ था, हमने इसको ठीक करवाया है, ठीक है, इसकी ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हो रखी थी, तो अब काफ़ी सही है, पहले से काफ़ी सही हो गई ये सारी चीज़ें। और ये किचन का भी आप देख सकते हो, किचन की भी साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है, किचन में भी मार्बल वगैरह जो लगवाने थे वो सारे लगवा दिए। और ये जो सामने का आप देख रहे हो, सामने का ये मार्बल वगैरह लगे नहीं थे, ये हमने ही लगवाए, इसने नॉर्मल पेंट करवा रखा था जिस मतलब जो भी यहाँ पे बंदा रहता था। और ये कल एक मिरर परचेज़ किया था, तो ये मिरर वगैरह भी लगवा दिया है, अभी दो तीन जगह मिरर और लगने हैं। तो ये तो मतलब बेसिकली ये हॉल है, ठीक है, और एक बार फाइनल लुक देख लो आप लोग।
यहाँ सामने क्या कहते हैं, होपफुली यहाँ पे क्या कहते हैं 43 इंच या 50 इंच का टीवी, एलईडी टीवी लगेगा, वो काफ़ी सही लगेगा देखने में। और एक रूम को मुझे अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग्स वगैरह होती है, तो काफ़ी सही है ये एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं मेरे पुराने वाली जगह से। ये बाथरूम वगैरह है, बाथरूम भी ठीक ठाक है। ये तो चार स्पेस छूटे हुए, यहाँ पे गीजर वगैरह लगेगा, और एक ये बाथरूम है, और एक भी ये है, और साथ ही साथ एक बाथरूम ये भी है। ये वैसे हम इस वाले को यूज़ करेंगे, इस वाले को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को यूज़ करना वर्थ इट नहीं होगा। जब कोई गेस्ट वगैरह आएगा तब इसका यूज़ वगैरह किया जाएगा। और चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ दो रूम, एक ये फर्स्ट रूम ये है, ठीक है। हालांकि ये मैंने आपको पहले भी दिखा रखा था, फैन वगैरह भी लग चुके हैं इसमें अच्छे से, और इसको भी हमने अभी ठीक करवाया है। ये भी पूरी तरीके से, इसका भी काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये सामने की जो वॉल है ये पूरी तरीके से खाली है, इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह बनवाया नहीं है, बट होपफुली क्या कहते हैं इस पर कोई वॉल स्टिकर वगैरह अच्छा सा लगाएंगे, नहीं तो फोटो फ्रेम वगैरह देखते कोई बढ़िया सा। और इसको मंदिर बनाया जाएगा, और एक टीवी क्या कहते हैं अराउंड 32 या 43 इंच की टीवी एक यहाँ पे भी लगेगी, एक हॉल में लगेगी और एक यहाँ पे, तो दो टीवी लगाएंगे। और ये सामने वाला जो है, ये सामने वाली जगह जो है यहाँ पे विंडो एसी लगेगी, क्योंकि स्प्लिट एसी लगवाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये दो मिरर लगा हुआ है, ये मिरर खुल जाएगा और क्या कहते हैं यहाँ पे विंडो एसी लग जाएगा आराम से। अभी मैं आपको बालकनी का पोर्शन भी दिखाऊंगा, उससे पहले दूसरे वाले रूम में चलते हैं। ये दूसरा रूम है, तो ये मेरा वाला रूम है, और इस रूम को मैं देखता हूँ ऑफिस वगैरह बनाऊंगा। हालांकि डबल बेड दोनों रूम में लगेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं एक टेबल एक रूम में मे बी क्या कहते हैं सिंगल बेड लगाए, क्योंकि मुझे एक रूम को अपना पर्सनल ऑफिस बनाना है, तो टेबल चेयर वगैरह भी लगाना पड़ेगा, उसकी भी सेटअप अच्छे से करानी पड़ेगी। इसमें क्या कहते हैं ब्लू कलर की लाइट लगवाई है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा माहौल चाहिए रात में, तक क्या कहते हैं कभी कोई मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे तो फुल पार्टी वार्टी चलेगी यहाँ पे। और ये ऊपर की भी क्या कहते हैं अच्छे से साफ सफाई हो चुकी है, और एक विंडो एसी यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि इसमें स्पेस छोड़ रखा था ऑलरेडी विंडो एसी लगाने के लिए, तो एक विंडो एसी यहाँ पे भी लगेगा। पीछे क्या कहते हैं अभी बालकनी का पोर्शन भी दिखाता हूँ, और इस वाले रूम में भी वॉल पे हमने कुछ नहीं बनवाया, ठीक है। जो वॉल है क्या कहते हैं वो दोनों वॉल मतलब क्या कहते हैं अलग अलग कलर है, ठीक है। स्काई ब्लू है, थोड़ा डार्क स्काई ब्लू है, और ये प्रॉपर वाइट करवाया था, तो बेसिकली वॉल कॉम्बिनेशन करवाया था हमने, ठीक है। और ये डोर वगैरह है, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, तो इसमें कपड़े वगैरह ही रहेंगे, ऊपर क्या कहते हैं जो सामान वगैरह रखना होगा वो मैं रखेगी, ठीक है। तो एक दूसरा रूम ये था, और ये जो सामान वगैरह पड़े हुए अभी क्या कहते हैं ये, क्योंकि 24 को गृह प्रवेश है तो उसके लिए कुछ सामान वगैरह लाना था, तो जैसे राशन वगैरह कुछ सामान है प्रसाद वगैरह बनाने के लिए, और होपफुली क्या कहते हैं मैं उसकी भी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और वो अलग से डाल दूँगा। और अब चलो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ बालकनी की तरफ, ठीक है। बालकनी दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को मैं, ये वो सारा सामान बचा हुआ अभी भी, पेंट वगैरह का जो सामान है वो सारी चीज़ बची हुई है, और ये बालकनी कुछ इस तरीके की है। अभी बस एक लास्ट काम रह गया, ये जो फाइबर है ना सामने वाला, इस फाइबर को चेंज करवाना है, और एक इस साइड वाले फाइबर को चेंज करवाना है। हालांकि इस साइड वाला फाइबर जो है वो साफ़ है, बट इसको भी चेंज करवाना है, और ये टाइल्स वगैरह लग चुकी है, और जो पत्थर वगैरह साफ़ करवाने थे दोनों रूम के पत्थर वगैरह अच्छे से क्लीनिंग करवा दिए। पहले पत्थर ये काफ़ी येलो कलर के दिख रहे थे, बट अब काफ़ी अच्छी शाइनिंग आई है इनकी, और एट द एंड तक क्या कहते हैं पूरी तरीके से सब कुछ हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे। तब एक बार फिर से जो ये ऊपर सनमाइका लगा हुआ है ये लकड़ी का है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये POP या जिप्सम का होगा, बट आप लोगों को बताना चाहूँगा ना तो ये जिप्सम है ना ये क्या कहते हैं POP है, ये लकड़ी है, ठीक है, जो ऊपर है। तो बाद में इसकी एक बार और अच्छे से क्या कहते हैं सफाई वगैरह की जाएगी, ये देख लो। तो होपफुली हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि उसका अपना खुद का क्या कहते हैं घर हो, ठीक है।
अभी मैं कॉलिंग लेकर आया हूँ, कॉलिंग से क्या कहते हैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगा मिरर को, तब मेरी शक्ल और अच्छे से आएगी। अभी तो बिना नहाए आया हूँ मैं, नहा के मैं और स्मार्ट लगता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। तो होपफुली क्या कहते हैं हम सबका एक मतलब ड्रीम होता है कि हम सबका अपना घर हो, तो फाइनली ठीक है। और इसके ऊपर एक, क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर पे है तो इसके ऊपर का जो एरिया है वो भी हमारा ही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो एक फ्लोर पे 4 लोग हैं, तो चारों लोगों का गेट भी अलग अलग है, 1, 2, 3 और 4। तो बेसिकली ये हमारा वाला गेट है, चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ और फिर छत का भी दिखाता हूँ थोड़ा। तो कुछ इस तरीके का है, अब ये देख सकते हैं जैसे कि ये उनकी छत हो गई ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारी छत है, और ये हमारी जो साइड में आंटी रहती है ये उनकी छत है, और जो इसके बैक साइड है वो 4 लोगों की छत है। तो बेसिकली टोटल ये 300 गज की प्रॉपर्टी थी, जिसमें क्या कहते हैं जो भी था मतलब उसने काफ़ी अच्छे तरीके से डिवाइड कर रखी थी सारी चीज़ों को। तो ये 75 गज की छत हमारी है, 75 गज की छत ये उनकी है और ये उनकी है। लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा है, मैं साइड में आके आपको दिखाता हूँ। कल को अगर हमें क्या कहते हैं इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे ठीक है, इसके ऊपर भी बिल्डिंग वगैरह बनानी पड़ेगी तो बनाएंगे। तो इन टंकी वगैरह को हम साइड में रखवा देंगे, जैसे उस बंदे ने रखवा रखे ना, ऐसे हमें भी अपना वो बनवाना पड़ेगा और टंकी को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यही था ठीक है, तो काफ़ी दिनों से ब्लॉग वगैरह आ नहीं रहा था, तो होपफुली इसी वीडियो को अपलोड करूँगा मैं। और क्योंकि हमने अपना पेंट करवाया तो हमने सोचा क्यों ना बाहर का पोर्शन भी अच्छे से पेंट करवा दिए, तो जीने वगैरह को भी हमने अच्छे से पेंट करवा दिया और लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया जो यहाँ पे रहते हैं। बढ़िया सोचा, कितने दिन में मैं खाने में बंद था, अब मैं ये जा रहा था, मैं बस करके क्या करूँगा।